नमस्कार, मैं रचना सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा किसी तरह से जीत गई। लड़खड़ाकर भाजपा जिस तरह सत्ता में आई है उसकी वजह विपक्ष बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस बार विपक्ष इतना ताकतवर है कि सत्ता पक्ष मुश्किल में आ गया है। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि चुनाव के परिणाम में बीजेपी की विफलता का कारण विपक्ष की पावर नहीं बल्कि बीजेपी की ही कमजोरी है तो आप क्या कहेंगे? दरअसल ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा कहना है खुद एक बीजेपी कार्यकर्ता का, जिसने लोकसभा चुनाव के बाद अपने मन की बात बीजेपी के अलकमानों से सोशल मीडिया के जरिए कहने की कोशिश की। ये कार्यकर्ता कौन है कौन नहीं ये तो हम आपको नहीं बताएंगे, लेकिन यकीनन इस कार्यकर्ता की बात बीजेपी के हजारों कार्यकर्ता को अपने साथ जोड़ेंगी जरूर और बीजेपी को भी खुद से सवाल करने को करेंगी मजबूर। फेसबुक पर एक बीजेपी कार्यकर्ता ने दर्द साझा करते हुए लिखा, वैसे तो लगभग एक वर्ष से मैंने सोशल मीडिया से दूरी बना ली थी, लेकिन जनादेश से आज कुछ लिखने का मन हुआ, इसलिए ये पोस्ट कर रहा हूँ। जनता ने जो जनादेश दिया है वो विपक्षियों की मेहनत का नहीं भाजपा की विफलताओं का नतीजा है। विफलता किस बात की, इस पर चर्चा जरूरी है। सबसे बड़ी विफलता इस बात की है कि सभी विधायक सांसद नेता पदाधिकारी का चुनाव जीतने के बाद जनता से विमुख हो जाते हैं। कड़वा लेकिन सत्य है, कोई भी व्यक्ति यदि किसी के साथ जुड़ता है तो उसका व्यक्तिगत लाभ भी होता है, उसको भी कुछ न कुछ कमाने की मंशा और जरूरत भी होती है। आम जनता के लिए विकास कार्यों की अनदेखी करना, केवल मोदी योगी के नाम के भरोसे बैठे रहना, चुनाव के समय कार्यकर्ताओं का इस्तेमाल करना, उसके बाद उसको धुतकार देना, उसका तिरस्कार कर देना, कार्यकर्ताओं को उचित सम्मान न मिलना, ये सारे कारण हैं। नेताओं को ऊंचा प्रस्तुत किया जाता है, बाकी के आम कार्यकर्ता को माननीय लोगों के पास आसपास तक नहीं भटकने दिया जाता है, और जब चुनाव आता है तो उसी कार्यकर्ता की जरूरत सबको पड़ती है। लेकिन कोई भी इंसान हो, एक बार दो बार तीन बार धोखा खाएगा वो बार बार आपके पास नहीं आएगा। इंसान का स्वाभिमान भी कुछ होता है। वहीं अगर यूपी की बात करें तो समाजवादी पार्टी पिछले 7 वर्षों से सत्ता में नहीं है, लेकिन उसके कार्यकर्ताओं में परिणाम आने से पहले भी अपनी पार्टी के लिए वही जोश रहता था, क्योंकि उसके नेता और पार्टी पदाधिकारियों के ऊपर उनको भरोसा था। लेकिन यही आप किसी भाजपा कार्यकर्ता से पूछ लीजिए तो उसको पता है मौके पर उसके माननीय नेतागण उसके लिए खड़े होना तो दूर उसका फोन तक नहीं उठाएंगे। सभी माननीय गण की जनता के बीच अनुपलब्धता भी बहुत बड़ा कारण है। एक बहुत बड़ा वर्ग राष्ट्रवादी महकमा भाजपा के लिए दिन रात बिना किसी स्वार्थ के लगा रहता है, जिसका सरकार के किसी नेता तक ना पहुंच होती है और ना ही किसी विधायक सांसद से कोई उम्मीद, लेकिन वो अपने राष्ट्र की मजबूती के लिए अपने देश को तमाम कट्टरपंथियों से बचाने के लिए बस लगा रहता है। इसके एवज में उसको किसी नेता से पार्टी कार्यकर्ताओं की तरह ठेका पट्टा नहीं चाहिए होता है, उसको तो बस इस बात की चिंता होती है कि हमारा राष्ट्र व प्रदेश सुरक्षित हाथों में रहे, ताकि हमारी बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित रहे। देखा जाए तो इसमें कोई शक नहीं है कि एक कार्यकर्ता चाहे वो जिस भी पार्टी का हो, वो जब किसी पार्टी के साथ जुड़ता है तो अपना सर्वस्व उस पर लुटाता है, लेकिन बदले में अगर उसे सम्मान न मिले तो तकलीफ तो होती ही है। हम दावा नहीं करते कि बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान करती है या नहीं, लेकिन किसी कार्यकर्ता के मन की बात जनता तक भी जानी जरूरी है। ऐसे में सवाल खुद बीजेपी को खुद से करने होंगे कि आखिर क्या वाकई बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ ऐसा कर रही है, या किसी एक कार्यकर्ता को बीजेपी की रणनीति और कार्यप्रणाली समझ नहीं आ रही है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।